नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और एक बार फिर से यहाँ पर 1932 का खतियान और राज्य पिछड़ा आयोग की जो मांग है उसको लेकर के यहाँ पर आज विधायक बैठे हुए हैं। और हम लोग इनसे जानते हैं कि कब तक 1932 का खतियान को लेकर के ये संघर्ष चलेगा। साथ ही साथ पिछले दिनों बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी इस सवाल को उठाया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी ये मामले आए थे। मुख्यमंत्री जी ने कई बार बोला, कई दर्जनों चुनावी सभा में कहा है, इनके चुनावी घोषणा पत्र में कि अगर मेरी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में यहाँ के पिछड़ी जातियों को हम आरक्षण देने का काम करें। सरकार भूल चुकी है अपने वायदों को। और कई बार सरकार और सरकार में शामिल लोग कहते आ रहे हैं कि हम यहाँ झारखंड राज्य में 1932 से अंत सर्वे के आधार पर स्थानीय नीति लागू करेंगे। कल मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में भी आए थे, मुख्यमंत्री जी भी कल बोले कि विचार करेंगे। आखिर कब इस सरकार के बने हुए 26 महीने हो गए, राज्य के बने हुए 21 वर्ष हो गए, तो निश्चित रूप से जल्द इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब झारखंड राज्य के 3.25 करोड़ जनता का धैर्य टूट रहा है, सरकार पर भरोसा उठ रहा है, लोग सड़क पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इन दोनों मुद्दों पर सरकार को जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा, अन्यथा ये आंदोलन हम लोग का बरकरार रहेगा, ये संघर्ष रहेगा। 7 मार्च को भी हम लोगों ने इन मामलों को लेकर विधानसभा घेराव किया और 7 मार्च को भी पूरे राज्य के लाखों की संख्या में विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार पर दबाव डालेंगे कि 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर और के आधार पर स्थानीय नीति लागू करो और राज्य पिछड़ा वर्ग का जो अनुशंसा है उसके आलोक में आके पिछड़ी जातियों को आरक्षण दो। आरक्षण की मांग और 1932 का खतियान, इन दोनों को लेकर के ये आज एक बार फिर से बजट सत्र के तीसरे दिन सदन के बाहर बैठे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।